सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 506 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी दो जनों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब से एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सेकंड नलर की सोल फॉर्म को दिखाया जाता है, जो कि किसी को अपने सामने देखकर कांपते हुए पीछे हटते हुए कहते हैं कि व्हाट द हेल, अब आखिर ये क्या चीज है। इधर वो चीज कोई और नहीं बल्कि सूफेन का ब्लडी बेबी होता है। तो उसे अपने सामने देख सेवंथ नलर कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर तू क्या चीज है, कमीने अभी के अभी मेरे रास्ते के सामने से हट जा। इतना कहकर के सेवंथ नलर ब्लडी बेबी के ऊपर काफी सारे स्लैश अटैक्स करते हैं। अपनी ओर आता हुआ देख करके तो ब्लडी बेबी भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपनी पावर्स को अनलेस करता है, जिस वजह से ब्लडी बेबी के अंदर से काफी सारी सोल एनर्जी रिलीज होती है। इस वजह से उसके सामने आ रहे सभी के सभी अटैक्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ना सिर्फ वो, सेवंथ एल्डर की भी सोल प्रेशर की वजह से काफी ज्यादा हालत खराब होने लगती है। उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो घबराते हुए कहते हैं व्हाट द हेल, आखिर ये क्या चीज है। ये चीज यहाँ तक कि अपने सोल अटैक्स को भी रिलीज कर पा रही है। जबकि इधर ब्लडी बेबी तो सेवंथ एल्डर की इस हालत को देख करके एक इविल सी स्माइल करता है और अगले ही पल वहाँ से गायब हो जाता है। अचानक से वो सीधा सेवंथ एल्डर के सामने अपीयर होता है और अपना एक बड़ा सा मुंह खोल करके सेवंथ एल्डर को खाने के लिए आगे बढ़ता है। जो देख करके तो सेवंथ एल्डर भी घबराते हुए पीछे की ओर हटने लगते हैं, मगर ब्लडी बेबी से बच पाना कहां इतना आसान होता है। उनके हटने से पहले ही ब्लडी बेबी पहले ही सेवंथ एल्डर को खा जाता है। जो देख करके तो इधर वेनरेबल सी और वेनरेबल बाई का तो हैरानगी के मारे मुंह खुला का खुला रह जाता है। और ना सिर्फ वो लोग बल्कि ब्लडी बेबी के इस तरीके के कारनामे को देख कोई हु, यूलिंग, टाइशिक उन सभी का भी मुंह खुला रह जाता है। सुफिन के पास इतने समय तक रहने के बावजूद भी उसके बारे में जरा भी पता नहीं होता आखिर रियलिटी में उसके पास में कितनी ज्यादा पावर्स हैं। इधर वेनरेबल यंग और वेनरेबल गुई भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। वेनरेबल गुई तो घबराते हुए कहते हैं कि इस बच्चे की स्लीप्स के अंदर बेहद ही ज्यादा और बेहद ही खतरनाक ट्रिक्स छुपी हुई हैं, और इसीलिए तो ये बिना किसी दिक्कत के उन दोनों एल्डर से लड़ने के लिए तैयार हो गया था। ब्लडी बेबी की ओर भी दिखाया जाता है, जो कि सेवंथ एल्डर को खाने के बाद में बड़े ही सुकून के साथ वहाँ पे हवा में लेटा होता है, जिसे देख वेनरेबल गुई आगे कहते हैं कि उसके जैसे एक खतरनाक इंसान के साथ केवल एक ही चीज जो उसके साथ आएगी वो है इस तरीके के विचित्र डेमोनिक क्रिएचर्स। इसके बाद हमें ब्लडी बेबी को दिखाया जाता है, वो सेवंथ एल्डर को खाने के बाद खुश हुए वापस सुफेन के पास आता है और सेवंथ एल्डर की सोल बॉडी को अपने मुंह में चबा के उनकी हालत खराब करके वो सुफेन के हाथ में निकाल देता है। तो सेवंथ एल्डर का बचा हुआ सोल का टुकड़ा सुफेन के हाथ में आने के बाद और भी ज्यादा खौफ के मारे चिल्लाने लगता है। तो स्माइल करते हुए सुफेन उनसे कहता है कि भागो भागो, जितना तेज हो सकता है उतना तेज भागो, इसलिए तो मैंने तुम्हें रोकने के लिए अपने उस डेमोनिक क्रिएचर को पहले ही बाहर निकाल रखा था। तो बताओ मुझे, तुम अपने शरीर को छोड़ने के बाद भी क्या मुझसे ज्यादा दूर तक भाग पाए क्या। ये सुनकर के सेवंथ एल्डर की सोल भी कहती है सुफेन जरा केयरफुली अच्छी तरीके से सोच लो, तुम किसी भी तरीके से मुझे छूने की कोशिश करते हो तो इस वजह से पूरा इनरसेक्ट तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। तो सेवंथ एल्डर की ये बात सुनने के बाद सुफेन भी स्माइल करता है और उनसे कहता है कि क्या मेरा दुश्मन। और फिर सुफेन सेवंथ एल्डर को अपने हाथ में ऊपर उठाते हुए उसे सभी लोगों को दिखाते हुए कहता है ये जगह हमारा मैदान है और ये ओल्ड कोर्ट यहाँ पे मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है, तो बताओ मुझे क्या मैं इससे डर जाऊं क्या, और क्या हम लोग इनसे कमजोर हैं क्या, इनसे हारे हुए हैं क्या। तो सुफेन की ये बात सुनने के बाद तो सभी लोग भी खुश होते हुए कहते हैं कि नहीं, हमें अब इन लोगों से कोई डर नहीं। इतना कहते हुए वो सभी लोग सुफेन के जयकारे लगाने लगते हैं। इधर वेनरेबल बाई भी खुश होते हुए अपने हाथ को उठाने लगते हैं और खुशी के मारे अपने मन में कहते हैं सचमुच में ये कितनी ज्यादा रिलीफ की बात है, ये लड़का सचमुच में एक हीरो है जिसे कि हम आगे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद फिर सुफेन सेवंथ एल्डर से पूछता है कि सेवंथ एल्डर अब बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या इनर सेक्ट तुम्हारे लिए इतना ज्यादा रिलायबल है क्या। नहीं, उनमें से कोई भी आपके लिए लड़ने के लिए खड़ा नहीं होगा। और क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वो लोग डरते हैं मुझसे और आज के दिन मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, साथ ही आज तुम्हें यहाँ पर जान से भी मार रहा हूँ और आने वाले कल को मैं सबको लेकर के आगे भी बढ़ूंगा, मगर मैं सिर्फ एक लेवर डिसाइपल हूँ, इसलिए सभी के सभी रूल्स मेरी ही साइड पे हैं। मगर इससे पहले एक बात बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है कि वो सभी के सभी लोग भी मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, जबकि यहाँ पर तुम दोनों लोग मेरे हाथों मरने के बाद सभी लोगों को ये स्टेटमेंट दोगे, जिसके बाद और कोई भी मूर्ख यहाँ पर उछल कूद करने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरे लिए तो इनर सेक्ट एल्डर सिर्फ एक एनिमी नाम का एक
टाइटल है, वो तुम्हारी कभी भी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही एक बार तुम्हारा मूल्य उनके लिए खत्म हो जाता है उसी वक्त तुम्हें बाहर फेंक दिया जाता है। ज़ुफ़ेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में सेवंथ एल्डर तड़के मारे जोरों से कांपने लगते हैं और ज़ुफ़ेन से मना करने लगते हैं। तभी ज़ुफ़ेन अपनी डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का यूज करता है और सेवंथ एल्डर की सोल की सारी एनर्जी को अपने अंदर सोखने लगता है। इससे सेवंथ एल्डर की सोल बॉडी खत्म हो जाने के बाद डिसअपीयर होकर के ज़ुफ़ेन की बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है और फिर उसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने के बाद ज़ुफ़ेन अपने मुंह से एक चैन की सांस लेता है। फिर ज़ुफ़ेन खुश होते हुए अपने मन में कहता है, अब मैं अपनी डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट सोल्स के ऊपर भी यूज कर सकता हूँ, जिससे मेरी खुद की सोल पावर भी बढ़ जाएगी और इससे मैं अपनी कल्टीवेशन को भी तेजी से बढ़ा पाऊंगा। ना कहने के बाद फिर ज़ुफ़ेन अपने सभी लोगों की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम लोग अभी भी अपने आप को डाउन फील कर रहे हो? ये सुनकर के तो सभी लोग खुश होते हुए ज़ुफ़ेन को मना करने लगते हैं। ज़ुफ़ेन हंसते हुए उनसे कहता है कि हाँ, तुम लोग मेरी साइड पे हो, अगर तुम लोग हारते हो तो इसमें मेरी भी हार है और मैं उनमें से हूँ जो कि अपनी हर एक हार का बदला लेता है। तो ज़ुफ़ेन की ये बात सुनने के बाद सभी लोग खुश होते हुए ज़ुफ़ेन को प्राउड करते हुए उसी की ओर देख रहे होते हैं, जबकि ज़ुफ़ेन आगे उन लोगों से कहता है कि इसके अलावा तुम सभी लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम लोगों को सिर्फ एक ही बार चैलेंज किया गया और देखो जरा अपने आप को, तुम सभी के सभी लोग बिल्कुल रोते हुए एक बच्चे की तरह दिखने लगे और ये चीज मेरे लिए अनएक्सपेक्टेबल है, मैं इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कल से ही शुरू करूंगा। कल से सभी लेवर डिसाइपल्स वही करेंगे जो कि लेवर्स असलियत में करते हैं, तुम लोग झाड़ू लगाओगे और साफ सफाई करोगे और भागने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना, सारे का सारा अलाइट लेवर ऑफिस कल यही करेगा। तो ज़ुफ़ेन की ये बात सुनने के बाद तो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा दुखी हो गए होते हैं और ज़ुफ़ेन से पूछने लगते हैं कि मगर लेकिन ऐसा क्यों? तो ज़ुफ़ेन उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, अच्छा अभी भी तुम्हारी मुझसे ये पूछने की हिम्मत हो रही है, जल्दी से यहाँ से भागो वरना अभी ही तुम्हें ये सजा मिलेगी। तो ज़ुफ़ेन की ये बात सुनकर तो सभी के सभी डिसाइपल्स जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं, जबकि दूसरी ओर वेनेवल की खुश होते हुए हंसकर के ज़ुफ़ेन से कहते हैं कि अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि अब ये जगह आगे से बिल्कुल भी नहीं टूटेगी बल्कि कंटिन्यूस ग्रो और ज्यादा ग्रो करती रहेगी। तो तब इधर वेनेवल भाई भी कहते हैं कि एक एक्सपर्ट को पता होना चाहिए कि उसे कब पीछे हटना है, उसे पता होना चाहिए कि उसे कब हारना है और कब जीतना है, क्योंकि सिर्फ एक ही झटके में हिम्मत हारने के बाद वो आगे किसी भी चीज की हिम्मत नहीं कर पाते, स्पेशली तौर पे तो अब जब उनमें से कुछ लोग लेबर ऑफिस को छोड़ना चाहते हैं, तो इसलिए इस चीज को हटाना होगा और इसे आगे और भी ज्यादा पनपने नहीं देना होगा। ज़ुफ़ेन ने उन्हें ह्यूमिलिटी और डिटर्मिनेशन सिखाया ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी वो लोग ना टूटे। हालांकि ज़ुफ़ेन की प्रेरणादायी बातों के बाद ही चीज अब कारगर साबित हुई, हालांकि उसकी जीत से पहले कोई भी उसकी बात नहीं सुनता था, जहां तक कि अलाइट लेबर ऑफिस भी नहीं, मगर ये ज़ुफ़ेन इसके पास में सचमुच में एक बेहद ही ज्यादा ग्रेट चार्म है और वो सिर्फ और सिर्फ महान काम करने के लिए ही बना है और यहाँ पर सिर्फ वही है एक जो कि हमारा अगला सेक्ट लीडर बनेगा। तो गाइस वेनेवल बाई के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा ये वाला एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। और गाइस जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक नई सीरीज को स्टार्ट करने के लिए उसके एक एपिसोड को ट्रायल के तौर पे बनाया है, आप लोग एक बार उसे चेकआउट जरूर कर लें और आगे मुझे बताएं कि आगे मुझे क्या करना है। अच्छा रेस्पॉन्स आने के बाद ही मैं उसे आगे कंटिन्यू करूंगा, तो इसलिए कम से कम एक बार उसे चेकआउट तो कर ही लेना। बाकी अब ये वाली वीडियो पसंद नहीं हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारे ये वाले वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।